कुछ छोटा, कुछ बड़ा, कुछ हल्का, कुछ गहरा, सीधा सवाल के सीधा जवाब। छुपल राज के खुली पिटारा, जनता के अब इहे बनारा। रोजी रोटी के सवाल, विकास निर्माण, भ्रष्टाचार, अत्याचार, रूढ़िवादी और अंधविश्वास पर कड़ा प्रहार। हर क्षेत्र के व्यक्तित्व संघे के सीधा दंगल। कार्यक्रम आमने सामने। साता के साथ ही दिन सुबह 7:30 बजे से 8 बजे तक। कार्यक्रम आमने सामने। कार्यक्रम आमने सामने। नमस्कार और प्रणाम तमाम भोजपुरी श्रोता लोग के रेडियो 96.4 MHz पर प्रसारित हो रहल कार्यक्रम आमने सामने के दंगल में आज फिर से हम हाजिर हो गए बानी अपने लोग के दोस्त मनोज पटेल। और हमनी के कार्यक्रम में हरेक गतिविधि जन सरकार संगे बिढ़ल विषय वस्तु पर हमनी चर्चा परिचर्चा करते आ रहा बानी, सच्चाई जाने के प्रयास करते आ रहा बानी, जौन राज छुपल बा ओकरा के टटोले के प्रयास हमनी करते आ रहा बानी, अत्याचार, भ्रष्टाचार, विकास निर्माण के विषय हमनी मुद्दा पर पहुँच के छलफल करते आ रहा बानी। और हमनी के कार्यक्रम आमने सामने के दंगल में घुमा के ना हमनी सीधा सवाल के सीधा जवाब खोजे के प्रयास करीने। और आज भी हमनी के कार्यक्रम में अतिथि एगो हमनी संगे जुड़ चुकल बानी रेडियो सानवी के फोन संपर्क में, और वहाँ के हम लेट ना करते हुए कार्यक्रम में सबसे पहले स्वागत करे के चाहें। आज हमनी संगे बानी जनता समाजवादी पार्टी के चर्चित नेता शशि कपूर मियाँ जी, और मधेश आंदोलन में भी वहाँ चर्चित रहनी है, और आज भी वहाँ मधेश बाद पर वकालत करते आ रहा बानी और जनता समाजवादी पार्टी से जुड़ के वहाँ काम कर रहा बानी। विगत लामा समय से वहाँ मधेश बाद और मधेश के विषय वस्तु पर नजीक से देख रहा बानी मधेशी के जनजीवन, मधेशी के रोजी रोटी और मधेशी जनता के अभी तक का मिलल का ना मिलल आदि इत्यादि विषय पर हम उनकरा से सीधा बहस करे के आज प्रयास कैले बानी। सबसे पहले हम शशि जी के कार्यक्रम में स्वागत करे के चाहे। शशि जी अपने के हमनी के कार्यक्रम में स्वागत बा। धन्यवाद। शशि कपूर मियाँ जी, अपने मधेश आंदोलन के एगो बहुत ही बड़का हिमायती रहल बानी और लम्बा समय से मधेश बात पर अपने काम कर रहल बानी, मधेशी जनता के भीतर तक ले के समस्या के विषय में अपने जरूर अध्ययन कैले हुए, अभी तक यहाँ तक ले आ चुकल बाद अपने लोग के मधेश के आंदोलन के बल पर स्थापित पार्टी आज प्रदेश नंबर 2 के सरकार में भी बा, और कहीं ना कहीं संघीयता के भी लियावे में अपने लोग के बहुत बड़का योगदान बा, काम मिलल मधेशी जनता के संक्षिप्त रूप में बताई। सबसे पहले अपने के सैनवी रेडियो मार्फत संपूर्ण श्रोता मित्र लोग से हम निवेदन करें कि अभी मधेश जन विद्रोह के पश्चात ही मधेश जन विद्रोह समाप्त नहीं के भाई। जी जी। अब सवाल रहा प्रदेश नंबर 2 में सरकार बा, यथार्थ बा सरकार बा, लेकिन हम आग्रह का करें अपने के मार्फत कि देश के संविधान जब निर्माण भइल और जौन प्रकार के हम कल्पना कैले रही संघीयता के, उस संघीयता के ओ अनुकूल के संघीयता अभी नहीं के देश में आई। उपलब्धि अपने के मधेश में ही ना, पूरे मधेश विद्रोह से संपूर्ण नेपाल में आदिवासी जनजाति मुस्लिम थारू लगायत के लोग के समावेशिता और पहचान एगो उपलब्धि है। समावेशी के अभी जन आधार आई बा, एगो समावेशी के आधार पर ही मधेश विद्रोह के बल पर आई बा। दोसर का बात जो अभी भी जन पहचान एगो मिलल बा देश में ही ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जन एगो मधेशी जनजाति आदिवासी थारू मुस्लिम लगायत के जन पहचान मिलल बा उ मधेश जन विद्रोह के देन। अब रह गई जो प्रदेश सरकार बनल बा एकरा से मधेशी जनता के का उपलब्धि भइल बा, इ प्रश्न में हम स्पष्ट अपने के का कहें, जौन मधेश के जनता के आकांक्षा रहे वो अभी आकांक्षा पूरा नीचे होके सकल, तथापि कहीं ना कहीं मधेश सरकार जौन प्रदेश नंबर 2 में हमनी के जौन गठन भइल बा उस सरकार से भी मधेशी जनता के जितना शब्दों सहयोग बा, अपने के जैसे अपने के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान में
संपूर्ण बेटी सबके सुरक्षा करे खातिर बीमा योजना कार्यक्रम जन प्रदेश सरकार लिए बा एगो सराहनीय काम बा। स्वच्छता अभियान लिए बा उ सराहनीय काम बा। अभी लोक सेवा आयोग के जौन नीति नियम अभी केंद्र सरकार अपना हाथ में रख ले बा उ सरकार अभी अभी आधे अनुमति नहीं के दे सकल, कानून अभी केंद्र नहीं के बना सकल, पुलिस बहाली के अभी अभी सुन लो के प्रदेश सरकार निर्णय के ले बा। केंद्र यदि कानून बना के नहीं चलत प्रदेश सरकार के निर्णय बा कि हम सर्वोच्च में जाकर के रिट दायर करें, कहीं ना कहीं सारा अधिकार और मधेश के उपलब्धि जौन बा अभी केंद्रीय सत्ता केंद्र के सत्ता के हाथ में बा और संविधान के जौन अभी उपलब्धि होके के चाहिए। संविधान संशोधन जब लेक नहीं के हो पूर्ण अधिकार जब लेक प्रदेश सरकार के नहीं के मिलत तब तक अपने के मधेश आंदोलन के भावना के अनुकूल मधेशी जनता के आदिवासी के जनजाति मुस्लिम थारू लगायत के अधिकार अभी संपन्न नहीं के भइल। अभी संघर्ष लंबा चली उसे हम आग्रह करें कहीं ना कहीं हमनी के जौन अभी एगो प्रक्रिया में हमनी बानी सन उसे हमनी के अभी हतोत्साहित मनोबल हमनी के पूरे के प्रयास हमनी के कोई करता वो अलग बात बा। प्रदेश सरकार अभी गठन भइल बा अभी प्रक्रिया में बा। प्रदेश सरकार भी जौन प्रकार से कानून बनावे के चाहिए ओकरा अधिकार में रहे वो कानून बना चुकल बा। जी जी लेकिन संविधान से बाझल चीज केंद्र सरकार जब ले कानून बना के नहीं भेजत तब तक अपने के समस्या उत्पन्न होता उसे स्वाभाविक बा। मधेशी लोग के मन में पीड़ा बा जे हमनी वोट देनी मधेश सरकार बनैनी मंत्री बनैनी मुख्यमंत्री बनैनी लेकिन उपलब्धि हमनी के नहीं मिलत एमे जनता के भावना के हम साथे बनी लेकिन एगो आग्रह का बा जेकरा से हमनी के हड़बड़ाए के आवश्यकता नहीं है। जनता के जौन मनोबल बा आकांक्षा बा उ पूरा करी मधेश सरकार। जी शशि जी अब जैसे कि अपने कहनी है बड़का बड़का मुद्दा सबके विषय में भी हमने बात कहनी है कानून के विषय नीति निर्माण के लेवल में भी बात अपने कहनी है लेकिन जौन जीवदो शहीद बा अपने लोक संघे आंदोलन कैला कितना लोग जान गंवा चुकल मधेश आंदोलन में पटक पटक के मधेश आंदोलन में हरेक मधेश आंदोलन में कुछ लोग के गोली लागल कुछ लोग शहादत प्राप्त कर लेल लेकिन जे जीवदो शहीद बा अपांग होके बैठल बा चाहे केकरो गोली लागल बा गोड़ हाथ नहीं के ठीक से रोजी रोटी के उ लोग के कमाए सके के अवस्था नहीं के उ लोग के तो चित्कार का बा कि हमनी के का मिलल हमनी फुकटिया आंदोलन कैनी हमनी के मधेश सरकार बन गई मधेश में मधेशवादी दल के पार्टी के सरकार बन गई लेकिन हमनी के कुछ ना देखलक उ लोग कोनो किस्म के हमनी के राहत ना मिलल चाहे 50 लाख के अपने के पार्टी के नेता लोग बात कैले रहे चाहे नौकरी के बात कैले रहे चाहे रोजी रोटी सुरक्षा के बात कैले रहे ई सब चीज तो अपने के सरकार प्रदेश दू के सरकार तो सक्षम बा करे सकित लेकिन कहाँ कैले बा अभी तक। एकदम बहुत बढ़िया अपने के प्रश्न बा सवाल का बा जे जन मधेश विद्रोह के घाइते बा घाइते लोग के मधेश सरकार ही ना हमनी के पार्टी ओ में खुद हम व्यक्तिगत कितना सहयोग हो सकल बा इलाज करावे के क्रम में हमनी करावे में सफल रहल बनी सन। जी जी अब सवाल रह गए नौकरी के शहीद परिवार के प्रदेश सरकार भी कुछ लोग के नौकरी दे लेबा स्थानीय निकाय भी नौकरी दे लेबा अपने के हम निवेदन करें वीरगंज महानगर पालिका 4 गो कि 5 गो शहीद परिवार लोग के नौकरी दे लेबा। एक दोसर बात बा 50 लाख के बार बार सवाल उठाता 50 लाख रुपया कौन परिस्थिति में के घोषणा कैलक। जी जी हम बारम्बार बात उठा रहा बानी कि 50 लाख यदि मधेश सरकार कहले बा जे हम 50 लाख देम तो अपने के रेडियो के मार्फत हम आग्रह करें प्रदेश सरकार के जे उ शहीद परिवार के 50 लाख रुपया देवे के चाहिए। अब एमे एगो हमर मन के बात का बा जो 50 लाख रुपया देला से शहीद के सम्मान होके नहीं के जा। जी जी बिल्कुल शहीद के सम्मान तब हुई कि ओकर जौन यहाँ के नेपाली सत्ता के पुलिस के गोली ला के जे मधेश के धरती पर खून से लहू लहान हो गई ओकर आशा और विश्वास ही रहे आ ओकर सम्मान तब हुई अंतिम इच्छा पूरा तब हुई कि मधेशी जनता के संपूर्ण अधिकार प्राप्त हुई। जी जी मधेशी जनता के आज जो समस्या बा समाधान हुई मधेशी जनता के जो आज रोजी रोटी के सवाल बा आज शिक्षा के सवाल बा आज स्वास्थ्य के सवाल बा
आज उद्योग धंधा कल कारखाना के सवाल बा, आज राज्य के पुनर्संरचना भइल, लेकिन एक मधेश एक प्रदेश पूरा नहीं के भइल, आठ गो जिला के लिया के मधेश प्रदेश के देश के संविधान द्वितीय बहुमत से जारी होके आठ गो प्रदेश आठ गो जिला के प्रदेश बना के चिंता देवल गई। तू मधेशी शहीद के सपने ना रहे, मधेशी शहीद के सपना ई हो कि 22 गो जिला के एक मधेश एक प्रदेश बने के चाहिए, संपूर्ण अधिकार प्रदेश में होके के चाहिए, रोजी रोटी के अधिकार सारा पुलिस प्रशासन आर्मी सेना में, जब लेक मधेशी जवान ना जाए तेले मधेशी शहीद के सपना साकार होके नहीं के जा। जी शशि जी, अब जैसे कि प्रदेश सरकार में अपने लोग के प्रदेश नंबर दो के अपने लोग के सरकार बा, और परसा जिला के भी हम बात में जोड़ दें, चाहे बारा जिला के मधेश के अधिकांश ठाव समय स्थानीय सरकार में भी अपने लोग के बरियार पकड़ बा, कहीं तो प्रमुख बा कहीं नहीं के भी प्रमुख तब पर भी मतलब बरियार पकड़ बा अपने लोग के, लेकिन पूरा मधेश प्रदेश में पूरा प्रदेश नंबर दो के सरकार से लेके स्थानीय सरकार से भ्रष्टाचार में लिप्त बा। अपने बेटी बचाओ के बात कहनी हम, वो भी बात जोड़े, जब बेटी बची ना तो ओकरा के पढ़ाएम कैसे बचाएम कैसे, सबसे पहले भ्रूण हत्या जवन हो रहा बा प्रदेश नंबर दो में एकदम तेज गति में, जवन टेस्टिंग करा के लोग बच्चा के बेटी के जन्मे से पहले मार दे रहा बा, अपने लोग एगो बोर्ड टांग के अपने लोग सोचता नहीं कि साइकिल बांट के बेटी बचाएम, तो ई संभव बा, एकरा तरफ भी अपने लोग के काम करे के जरूरी बा कि जैसन लागल हमनी के। त एकदम अपने के बात में हम सहमत बानी, सिंह दरबार के अधिकार हमनी मगनी सन संघीयत प्रदेश में। जी जी, और सिंह दरबार अपने के काठमांडू के सिंह दरबार के अधिकार स्थानीय सरकार में ना आई, लेकिन वहाँ जो पहले भ्रष्टाचार होत रहे आज सारा वो भ्रष्टाचार स्थानीय निकाय में पहुंच गई बा, एकदम सत्य बात बा। लेकिन भ्रष्टाचार प्रदेश करो केंद्र करो स्थानीय निकाय करो, भ्रष्टाचार यदि हो रहा बा तो यहाँ के अख्तियार अनुसंधान आयोग के हम आग्रह करें, यहाँ के जिला प्रशासन कार्यालय के हम आग्रह करें, यहाँ के मीडिया कर्मी साथी के आग्रह करें, प्रमाण सहित जे भी यदि हमर पार्टी के गांव पालिका प्रमुख या उप प्रमुख या प्रदेश सरकार के मंत्री विधायक या सांसद जे भी करप्शन कैले बा या भ्रष्टाचार कैले बा, प्रमाण लिए और कार्रवाई करी, भ्रष्टाचारी के विरुद्ध में हमनी बानी, भ्रष्टाचारी के विरुद्ध में पार्टी बा, भ्रष्टाचारी के सहयोग करे खातिर हमनी के पार्टी निर्माण नहीं के भाई, हमनी के पार्टी अभी निर्माण भइल बा। अपने देख लो के देश के वैकल्पिक शक्ति के रूप में ये देश में समाजवाद लिया खातिर, ये देश में शोषित उत्पीड़न में पड़ल आदिवासी जनजाति मुस्लिम थारू लगायत के समुदाय जन उत्पीड़न में पड़ल बा, ओकर अधिकार खातिर ओकर पहचान खातिर यदि भ्रष्टाचार कोई कर रहा बा, भ्रष्टाचारी के कार्रवाई होके के चाहिए, जनता के पैसा यदि कोई भ्रष्टाचार में लिप्त बा अपन व्यक्तिगत स्वार्थ में खर्च कर रहा बा ओकरा पर कार्रवाई होके के चाहिए। हम पार्टी के केंद्रीय सदस्य के हैसियत से हम जोरदार मांग करें अपने के रेडियो कुमार। शशि जी, अब अपन बेटी बचाओ के बात हम कहनी और स्वच्छता अभियान के भी बात कही जाओ, का अपने के लागत कि अपने के पार्टी साइकिल बांटला से बेटी ना बाटी अपने के तर्क बा, लेकिन हमर तर्क ई है कि जौन बेटी हमर घर से पहले स्कूल ना जाए जी जी ओकरा के प्रोत्साहन के रूप में एगो प्रदेश सरकार साइकिल वितरण कैले बा, जे साइकिल से भी बेटी के प्रोत्साहन होई, कम से कम वो स्कूल जाए, जैसे नेपाल सरकार खाजा के व्यवस्था कैले बा, खाजा से बच्चा पड़ी ना, लेकिन वो खाजा मिलत तक के नाश्ता मिलत तक के वो बच्चा स्कूल जाए के प्रोत्साहित हुई, ओ किसीम से साइकिल जौन बेटी के दियाइल बा उ बेटी के कम से कम हौसला बुलंद होखो, जे हम भी कोई बेटा से कम नहीं की, हम भी साइकिल चला सकतनी, हम भी मोटरसाइकिल चला सकतनी, हम भी ट्रेन चला सकतनी, एगो प्रोत्साहन के रूप में उ वितरण भइल बा। अब का वजह भ्रूण हत्या जौन हो रहा बा ओमे कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के कानून लिया के चाहिए, ओकरा बाद में सिर्फ कानून ही लिया के ना हो, ओकरा के कार्यान्वयन करे के चाहिए। जी जी, जन गर्भ में बच्चा मारे के जे काम कर रहल बा ओकरा पर जान मारने उद्योग अंतर्गत के मुद्दा चले के चाहिए, ओमे कहीं ना कहीं कानून जन रूप से प्रस्तुत होके के चाहिए, कानून फितलो बा। दोसर बात जे सबसे दिक्कत का बा, जे प्रदेश सरकार के गृह मंत्री बा लेकिन यहाँ के एसपी बाटे केंद्र के गृह मंत्री में,
गृह मंत्री प्रदेश में बा लेकिन सीडीओ बा अपने के केंद्रीय गृह मंत्री में वो भी कुछ कठिनाई बा जौना के कारण से प्रदेश नंबर दू के बदनाम करे के प्रयास केंद्र के द्वारा यहाँ के प्रशासन के द्वारा खेल हो रहा बा अपने के हम आग्रह करें। जी सर जी, अब जैसे कि बार बार समाचार आवेला प्रदेश सरकार लगे जौन स्रोत साधन बा उहे खर्चा होके नहीं के सकत। अपने देखी पिछलका समाचार आयल बा कि जनता आवास कार्यक्रम अंतर्गत के बजट सब खर्च ना होके सकल। भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय अंतर्गत प्रदेश नंबर दू में संचालित अधिकांश योजना सब समय में करवने ना होके सकल। ठेका पट्टा में मामा चाचा काका भैया भौजी सबके देखल गइल बा। अपने के पार्टी के नेता लोग के सारा ठेका मिलेला। अपने के पार्टी के नेता लोग के आसे पासे चमचा बेलचा सबके मिलेला। ऐसा जनता के यहाँ के मदेश के जनता अपनहिए के पार्टी के नेता लोग भी मीडिया में आके ये सब बात कर रहल बा। सारा चीज अलपत्र हो रहल बा। तो कहीं ना कहीं कमी तो हमनी में बा, तो स्वीकार करे के पड़ी। अपने जनता से बचे ना सके अपने लोग। निश्चित रूप से देखिए, अब ठेका पट्टा के जो सवाल बा, मान लीजिए हमरा पार्टी के कोई ठेकेदार बा, ओकर वो एगो व्यक्तिगत जिंदगी है, ओकर कारोबार है, ओकर अधिकार बाकी ना टेंडर भरे के। वो टेंडर भर के प्रक्रिया के हिसाब से ठेका ले ले बा, जायज बा। अगर कमीशन के खेल में अगर कानून के विपरीत जाके कोई ठेका ले ले बा तो ओकरा पर अनुसंधान होके के चाहिए, कार्रवाई अगाड़ी बढ़े के चाहिए। हम अपने से आग्रह करें। अब सवाल रह गई जे बहुत सारा खेल उपभोक्ता में काम भइल बा। जी जी जी। अपने जौन बात ना कह सकनी है वो हम अपने से कह रहल बानी। उपभोक्ता में कुछ काम भइल बा। अपने देख लो कि 70 में उपभोक्ता वाला लोग जेल गए। जी जी जी। अगर कोनो 8 जिला में कहीं भी उपभोक्ता के नाम पर अगर कमीशन खोरी भइल बा तो अधिकार बा छानबीन करे के वो जिला के जिला प्रशासन कार्यालय के, वहाँ अधिकार बाटे वो जिला के मातहत के अख्तियार अनुसंधान कार्यालय के, वो लोग काहे नहीं के कार्रवाई कर सकत। ये लोग प्रमाण सहित जुटा के कार्रवाई करे के पड़ल। सिर्फ बदनाम कैला से ना हुई, सिर्फ जवन योजना सब समय में पूरा नहीं के हो, वहाँ प्रशासन बाकी ना बा। जी जी जी। वो जिला में कानून बाकी ना बा। हमारी कहे के मतलब बा, शशि कपूर यदि ठेका पट्टा गलत तरीका से कर रहल बारन तो शशि कपूर के परमार देखा के हथकड़ी लगा के जनता के बीच में उबारे के पड़ल। जनता गलत के गलत और सही के सही छुटियावे के क्षमता भी रखता। राजनीति जेकरा करे के बा जनता खातिर करो, व्यापार जेकरा करे के बा अपन जाके व्यापार करो। व्यापार और राजनीतिक में फर्क होला, ठेकेदारी में और राजनीतिक में फर्क होला। लेकिन जेकर दोनों पैसा बा उ सही तरीका से ठेकेदारी करता अच्छा बात हो, गलत तरीका से कर रहा बा, नेता के बदनाम करे के प्रयास कर रहा बा, जनता के ठगे के प्रयास कर रहा बा, वो गलत बात। लेकिन शशि जी, अपने के पार्टी में इस विषय में छल फल होके के चाहे कि ना चाहे, जौन काम ले ले बा लोग ठेकेदार लोग कोनो पार्टी के होको चाहे ना लेके, लेकिन समय में पूरा नहीं के होत, रोड नहीं के बन सके सक रहल, जनता लोग के दुख होता, योजना सब अपने के अलपत्र बा, पुल नहीं के बने सक रहल, वर्षो वर्षो लगा के एगो हेल्थ पोस्ट के एगो भवन नहीं की अपने लोग बना सक रहल, तो कहीं ना कहीं एमे तो कमी दिखाई दे रहल बा। अभी न्यूज आयल बा अपने के हम बता दी कि जनता आवास कार्यक्रम अंतर्गत संघ सरकार से जौन बजट प्राप्त भई रहे 1 अरब रुपया से बेसी फ्रीज हो गई प्रदेश नंबर दू में, काहे ना काम होके सकल। देखिए दोस्तों, का अपने के सवाल रहा कहो जो समय पर ठेकेदार लोग लेके काम संपन्न नहीं के करो, तो ठेकेदार लोग से हमार आग्रह बा कि समय पर अपने काम संपन्न करें। दोस्तों का बात, सारा ठेकेदारी 2 नंबर प्रदेश में नहीं के, केंद्र भी अरबों के बजट देले बा जौन की ठेकेदार लोग लेके 2 बरस में काम संपन्न होके के चाहिए। आज 10 बरस में संपन्न नहीं के भाई लोग प्रमाण बा, वो अपने खोजी नीति करी। लेकिन केंद्र सरकार कौना खुशी में होकर म्याद थप कर जाता। उहे प्रक्रिया में अपने के भी प्रदेश सरकार 1 साल में जौन योजना पूरा करक बा, 1 साल में योजना पूरा ना भइल तो ओकरा के कम से कम ठेकेदार के बुला करके ओकरा के समझौता रद्द करी, लाइसेंस रद्द करी, ओइसन ठेकेदार के ब्लैक लिस्ट करे के चाहिए प्रदेश सरकार के, जौन आज तक केंद्र सरकार ना कैलक। यदि केंद्र सरकार के ही नकल प्रदेश कर रहा बा, वो कमीशन के खेल में समझौता के म्याद थप कर जा रहा बा,
प्रदेश सरकार के गलत ह, प्रदेश के मंत्री लोग के गलत ह, उ गलती सच्चाई के पड़ी, समय पर ही जनता के काम करके संपन्न करके दे के पड़ी। आज हमनी के प्रदेश में सबसे बड़ा दुखद बात बा कि यथार्थ बा कि ठेकेदार लोग करोड़ों अरबों के ठेका लेके समझौता करके समय पर काम नहीं के कर सकल। कोईसन ठेकेदार लोग की कार्रवाई करे के चाहिए, कार्रवाई होके के चाहिए, चाहे हमरा पार्टी को के चाहे कोनो पार्टी के ठेकेदार हो, ठेकेदार कोई पार्टी के ना होला, ठेकेदार अपन व्यक्तिगत इंटरेस्ट खातिर काम करेला, ओकरा जहां फायदा हुई काम करी, घाटा हुई वो काम ना करी। दोसर बात जो पैसा जन फ्रीज भइल बा वो दुखद बात हो, अभी जे भी सरकार चला रहल बा उहो लोग अभी सीखे में लागल बा, ई लोग के दू बरस ई यथार्थ हो। अब केपर से कम दोसर बात जो देश में महामारी भइल क, ई 8-9 महीना बंदी के कारण से भी कुछ पैसा फ्रीज भइल क, अब हम आग्रह करें प्रदेश सरकार के कि जनता के पैसा फ्रीज ना होके के चाहिए, प्रयोग होके के चाहिए। जौन पैसा जौन काम में सरकार भेज रहल बा उ व्यक्तिगत इंटरेस्ट के कारण से पैसा फ्रीज होई तो जनता माफ ना करी। शशि कपूर मियाँ जी, अब जैसे कि हम दूर ना जाए, बीरगंज के ही बात कर जाओ, अपने के बीरगंज महानगर पालिका लगायत पर्सा जिला के स्थानीय लगभग 8 से 11 स्थानीय तो हमें अपने लोग के बरियार पकड़ बा, लेकिन जनता के जन चाहना अनुसार काम ना होके सक रहल बा कह के एकदम बात सब उठ रहल बा चारों तरफ से। बीरगंज महानगर पालिका घंटाघर से आदर्श नगर और घंटाघर से पावर हाउस से बाहर नहीं निकले सकल, गाँव गाँव में विकास नहीं पहुँचे सकल, बीरगंज महानगर पालिका के क्षेत्र बड़का हो गई, कहीं ना कहीं एमे कमी दिखाई दे रहा बा, हर एक ठेका पट्टा में कमीशन के खेल हो रहा बा, और अपने तो एगो जनता के भरोसा दिला के अपने मधेश आंदोलन में इतना अग्रणी भूमिका खेल के अपने यहाँ आयल बनी, राजनीतिक जनता के खातिर अपने लोग कर रहा बनी। बिहान अपने के पार्टी के नेता लोग जौन अभी नीति निर्माण में बैठल बा लोग, अपने के पार्टी के नेता लोग अगर सही से जन भावना अनुसार काम ना कर सकी, बिहान फेन अपने के पार्टी चुनाव में जाई तो जनता से अपने लोग आँख मिलावे ना सकें, जनता अपने लोग के रिजेक्ट कर दी, इस विषय में अपने के पार्टी कितना सीरियस बा? देखल जब पार्टी के नेता कार्यकर्ता इस विषय पर चिंता के साथ छलपल में अभी हमनी के पार्टी बा कि जनता के यथार्थ और जनता के मनोविज्ञान के हिसाब से, जनता के भावना के हिसाब से बहुत जगह काम नहीं थे हो, ये सत्य बात है। अब रह गई जे जनता के भावना के अनुसार पार्टी बारंबार निर्वाचित साथी लोग के आग्रह कर रहा बा कि अपने स्थानीय जगह में या प्रदेश में या गांव में या विधायक क्षेत्र में या संसदीय क्षेत्र में वहां जनता के भावना के अनुसार अपने लगिन काम करी, मधेशी मधेश विद्रोह और मधेश आंदोलन के शहीद लोग के याद करके अपने काम करी। यदि वो लोग नहीं करब जनता के भावना के हिसाब से, पार्टी के काम हो नीति निर्देशन देवे के, यदि वैसन व्यक्ति लोग काम नहीं कर तो पार्टी उन लोग के साथ न्याय ना करी आ जनता भी उन लोग के माफ ना करी। पार्टी न्याय ही ना करी कि जे जनता के अनुसार जनता के भावना के हिसाब से मधेशी शहीद के याद करके मधेश विद्रोह के याद करके जे काम ना करी, आवे वाला दिन में उन लोग अब सपना छोड़ देव कि फिर हमरा के पार्टी टिकट दी हम चुनाव लड़े ठीक। आ वैसन गलत तत्व के जनता भी माफ ना करी, पार्टी भी माफ ना करी, जनता भी माफ ना करी, हमनी फेस करें जनता के बीच में जाके कि राउर मत के कितना परसेंट प्रयोग भइल, कितना परसेंट दुरुपयोग भइल, कितना परसेंट जनता के भावना अनुसार काम भइल, काम काहे ना भइल, ये हमनी जनता से फेस करे के हमनी तैयारी बनी सन। लेकिन जे निर्वाचित साथी लोग बा अभी भी 2 बरस समय बा, अभी भी अपन अपन जगह से ईमानदारी पूर्वक विकास के प्रक्रिया में लागी, ईमानदारी पूर्वक जन कमीशन के खेल के चर्चा बा, कमीशन के खेल भइल बा, कमीशन के खेल छोड़ी और सही रास्ता पर चली, जनता के विचार जनता के मनोविज्ञान भावना अनुसार अपने लाइन के काम करे के चाहिए, न तो 2 बरस बीते में कोनो समय नहीं के। शशि जी, अब जैसे कि कार्यक्रम के हमनी के अंत अंत के ओर आ गेल बानी, अपने के का लगाता ये सब चीज हमनी इतना अभी छल फल कैनी है, संक्षिप्त रूप में अपने आधा मिनट में हमनी के बताई का चाहिए जनता से, अपने के पार्टी के का चाहिए और अपने के पार्टी जनता के का देवे सकी?
ताकि कम से कम अपने वैकल्पिक शक्ति के बात कहनी है अपन पार्टी के वैकल्पिक शक्ति के ओर हमने उन्मुख हो रहा बानी कह के तो बिहान के दिन में कहीं ऐसा ना हो कि प्रदेश नंबर दो के भी अपने लोग प्रदेश नंबर दो में भी फिसल जाए तो का चाहिए अपने के जनता से का चाहिए अपने के पार्टी के और अपने के पार्टी जनता के खातिर का करे वाला बा अगला दिन में जनता खातिर शोषित पीड़ित जे विभेद के विरुद्ध में बा विभेद के विरुद्ध के लड़ाई में जनता पहले भी साथ में रहे और आज भी साथ में रही और हमनी के जनता के यहाँ जो शोषित पीड़ित जे जनता बा ओकरा से हमनी के ऊपर उठाए ओकरा के मुक्ति दिलावे खातिर मुक्ति के आंदोलन हो व्यक्तिगत आंदोलन ना कुछ व्यक्ति गलत हो सकता लेकिन आंदोलन गलत नहीं हो सकत ये हम संपूर्ण श्रोता से संपूर्ण नेपाली जनता से आग्रह करें कि अपने जनता समाजवादी पार्टी के साथे रही व्यक्ति गलत हो सकता विचार नहीं गलत हो सकत एजेंडा गलत नहीं हो सकत नेता गलत हो सकता फिर दोसर नेता आई एगो नेता के गलत भैया से विचार ओराय नहीं जात उसे हम आग्रह करें नेपाली जनता के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचावे के राष्ट्रीय जनता पार्टी अभी वैकल्पिक शक्ति के रूप में उभरल बा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी हमनी के समय देनी है व्यस्त समय के बावजूद भी समय देनी है एक खातिर सानवी रेडियो के तरफ से अपने के हमनी आमने सामने के कार्यक्रम के टीम के तरफ से बहुत बहुत हम धन्यवाद देवे के चाहिए जी और हमनी के तमाम भोजपुरी श्रोता लोग के भी धन्यवाद आज के कार्यक्रम आमने सामने के दंगल में हमनी संगे बातचीत करनी है जनता समाजवादी पार्टी के चर्चित नेता शशि कपूर मियाँ जी और अपने के कार्यक्रम कैसन लागल है अपने के ओरहन खोपसन कोनो राह सलाह सुझाव भी बात वो भी हमनी के भेजी और हमनी के टेलीफोन संपर्क में हमनी के रेडियो के स्टूडियो नंबर में अपने टिपा सकतानी और आज की खातिर हमनी के कार्यक्रम सुननी है फिर से एक बार धन्यवाद देत हमनी के प्रविधि और के सहयोगी सत्येंद्र जी के भी बहुत बहुत दिल से ढेर सारा धन्यवाद देत हम अपने के कार्यक्रम पश्चोता मनोज पटेल आज से विदा चाहतनी काल के फिर बिहान के आमने सामने में हमनी के हाजिर होकेम और ऐसने दंगल में हमनी के गर्मा गर्मा बातचीत सब करेम आज के खातिर हमें विदा दिन नमस्कार प्रणाम शुभ दिन।